हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है जोमैटो लिमिटेड है। जोमैटो लिमिटेड की बात करें, देखिए 3.70 रुपये गिरावट के साथ 175.45 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। कल का जो हाई था वो था 183.15 रुपया और आज का जो ओपनिंग था 184.50 रुपया। तो कल के हाई के ऊपर आज क्लोजिंग ओपनिंग दिया था, बट वो सस्टेन नहीं किया और नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। ये जो होता है, इस तरह का क्लोजिंग होता है, ये मार्केट को निगेटिव सेंटिमेंट निगेटिव रिप्रेजेंट करता है। अगर कल के हाई के ऊपर आज क्लोजिंग दिया होता तो मैं इसे पॉजिटिव में कंसीडर करता, बट ये कल के हाई के नीचे क्लोजिंग दिया, कल के ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दिया, तो ये मुझे निगेटिव सेंटिमेंट की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद जो आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है और ये अपने हाई को ब्रेक किया था। यहाँ पे देखिए, ब्रेक करने के बाद ये डेली नेक्स्ट कैंडल जो था, ये वाला जो कैंडल था, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल था, अपने प्रीवियस कैंडल को पूरा ढक लिया और नीचे की तरफ ये इसको ब्रेक दिया। ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ चला आया। तो देखा तो ये जो रेंज बनाया हुआ था, इतने दिन से इस रेंज में जो घूम रहा था, इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव में जा चुका है। बट नेक्स्ट सपोर्ट देखे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा 170 करीब में, अगर यहाँ से रिटर्न नहीं लेता है और यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाते, 170 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो सपोर्ट आपको मिलेगा 150 के करीब में। 150 से ये इसका एक सपोर्ट ये रहा, और ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है, ये भी तकरीबन 150 करीब में ही जाके मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाता तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और ये नीचे की तरफ आता अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के या ट्रिपल बॉटम पैटर्न या कोई भी पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो अगर बना के ऊपर ब्रेकआउट देता है तभी आप उसमें एंट्री बनाइए, और उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इस तरह अगर प्लानिंग करते हैं तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। स्टॉप लॉस के साथ अगर प्लानिंग करते हैं तो हर बार मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस अगर आपका परफेक्ट है, स्टॉप लॉस के साथ आप चल रहे हैं, 2 रुपये का लॉस हुआ, 50 रुपये का लॉस हुआ, 100 रुपये का लॉस हुआ, आप लॉस लेकर निकल लीजिए, आपका कैपिटल बच जाएगा, अपना कैपिटल फिर अगले स्टॉक में लगाइए, तो ये बेटर रहेगा। अगर कुछ लोग का होता है 1% लॉस में नहीं निकलेंगे, 10% लॉस पे जाकर निकलेंगे, तो लॉसेज बढ़ जाते हैं। तो इस पर नजर बना के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।